आपको उन्नत किसान का आपको बैचिंग मिलेगी। बिल्कुल, ये हमारा चेतक इंडिया मॉडल है जो कि 8 एचपी कैटेगरी का है, 270 सीसी का 3600 आरपीएम का इंजन लगा हुआ है। सॉकर वाले पावर वीडर लेने से किसान भाई को थकावट नहीं होगी, जैसे ही कोई झटका लगेगा ये सॉकर चलता है 32 mm की साफ्ट वाला, वो गियर बॉक्स लगा है, इसमें किसान भाई 2.5 लीटर गियर ऑयल पड़ता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम किसानों को खेती के 3 महारथी पावर टिलर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इनसे हमारे किसान भाई अपनी खेती बाड़ी को बेहतरीन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, खरपतवार निकालने के लिए भी काम में ले सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों जुताई के लिए भी काम में ले सकते हो। आप सामने अटैचमेंट पड़े हुए देख रहे हो, इनसे हमारे किसान भाई चाहे तो नाली बनाने का काम करें, चाहे जमीन लेवल करने का काम करें, यहाँ तक कि दोस्तों आलू खुदाई का भी काम इन मशीनों के माध्यम से, इन तीनों महारथी के माध्यम से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, खेती के इन 3 महारथी पावर टिलर की जानकारी भैया से करेंगे, उनसे पहले उनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे भैया? बहुत बढ़िया सर। एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों का। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। किसान भाई, जैसे कि आप जानते हैं हमारा पावर वीडर का होलसेल का बिजनेस है जी। हम लोग जितने भी आपको नए नए मॉडल समय समय पर दिखाते रहते हैं, जैसे अभी ट्रेंड आया किसान भाई आपको सॉकर वाले पावर वीडर का, तो आज हम आपको 3 सॉकर वाले पावर वीडर दिखाने वाले हैं जो कि 8 एचपी की कैटेगरी के हैं। सभी मॉडल आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बिना लाइट का है, वो लाइट विद फ्रंट व्हील है स्मॉल गियर बॉक्स में, ये जो देख रहे हैं इसमें 2.5 लीटर का बड़ा वाला गियर बॉक्स के साथ में लाइट में है, फ्रंट व्हील में बड़े टायर में आएगा और विद फ्रंट व्हील के साथ में आने वाला है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इन तीनों सॉकर वाले महारथी पावर टिलर की और इनके स्पेसिफिकेशन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को लेकर, जो कि हमारे किसान भाई देखते ही इसके लुक को बिल्कुल जो है मनमोहक हो चुके हैं इसके प्रति। तो इसके इंजन की जानकारी करते हैं पहले सबसे। सर, इसमें जो इंजन लगाया है जी, वो 8 एचपी का पेट्रोल इंजन लगाया है जी, जो कि मैनुअली स्टार्ट है, रस्सी खींच के स्टार्ट। यहाँ देखेंगे आपको उन्नत किसान का आपको बैचिंग मिलेगी। बिल्कुल, ये हमारा चेतक इंडिया मॉडल है जो कि 8 एचपी कैटेगरी का है, 270 सीसी का 3600 आरपीएम का इंजन लगा हुआ है और ये 100 mm से ज्यादा इसकी टिलिंग डेप्थ है सर। बिल्कुल, और इसमें देखिए आपको सीरियल नंबर मिलेगा, हमारा ऑफिस मिलेगा, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो इसमें इंजन लगा है जी, वो जापानी इंजन है, हैवी ड्यूटी जापानी, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जापान इम्बोज मिलेगा। बिल्कुल जी। और साथ साथ में जो इसमें फिल्टर लगा है वो साइक्लोन फिल्टर मिलेगा, आपको कम नॉइस करे उसके लिए इसमें बड़ा जो साइलेंसर, बड़ा साइलेंसर लगा है। साइलेंसर में देखिए, पहले आमतौर पे क्या ना ऐसी कोई सपोर्ट वगैरह नहीं देता जी, था जी, जी। अभी देखिए इसमें सपोर्ट वगैरह दे, जो साइलेंसर टूटने की समस्या थी वो नहीं होने वाली है। और साथ में किसान भाई देख रहे हैं डबल एलईडी लाइट मिलेगी, आपको फ्रंट व्हील मिलेगा, जो किसान भाई रीपर वगैरह का काम करना चाहे वो आसानी से हो जाए। बिल्कुल जी। फ्यूल टैंक कितना बड़ा दे रखा है इसके अंदर? सर, इसमें जो फ्यूल टैंक लगा है वो 5.5 लीटर का बड़ा वाला फ्यूल टैंक लगा हुआ है। अभी जैसे फेंडर देख रहे हैं किसान भाई जी, सेम आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें डबल वाले हैवी वाले फेंडर है जी। और किसान भाई जैसे छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और चौड़े फेंडर इसलिए दिए हैं जैसे किसान भाई जुताई वगैरह करेंगे तो धूल मिट्टी उनके ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, जैसे अभी बार बार आप कह रहे हो किसान भाइयों से कि इसके अंदर दो सॉकर लगे हुए, सॉकर देने का मुख्य पर्पज क्या रहा? सर, सॉकर देने का मुख्य पर्पज ये था, जो किसान भाई बोलते हैं कि जैसे जिन किसान भाई को उम्र ज्यादा है या जिन किसान भाई को ज्यादा काम करना होता है, वो किसान भाई बोलते हैं हम जो बिना सॉकर वाले पावर वीडर होते हैं उनको चलाने में थोड़ा थकावट आता है, वाइब्रेशन आता है, तो ऐसे सॉकर वाले पावर वीडर लेने से किसान भाई को थकावट नहीं होगी, जैसे ही कोई झटका लगेगा ये सॉकर एब्जॉर्ब कर लेगा जी। हाँ जी। और इसमें डबल वाले हैवी वाले सॉकर है, नॉर्मल कोई सॉकर नहीं है। साथ में किसान भाई जैसे यहाँ पे जो हैंडल इसका डिजाइन किया है वो इस तरीके से, जैसे किसान भाई रीपर वगैरह चलाए तो ये सॉकर खोलने के बाद इनको टाइट कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा सर। लॉक हो जाएगा और रीपर लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, आसानी से रीपर लगा सकते हैं। जो इसका गियर बॉक्स है, इसमें देखिए आप बड़ा वाला जो डीजल इंजन में गियर बॉक्स आता है 32 mm की साफ्ट वाला, वो गियर बॉक्स लगा है, इसमें किसान भाई 2.5 लीटर गियर ऑयल पड़ता है। और गियर कितने रहते हैं भैया? इसमें किसान भाई को 3 गियर मिलेंगे, 2 आगे के 1 पीछे का गियर। और दोस्तों यहाँ पे एक डिटेचेबल टॉर्च भी दे रखी है। हाँ, मान लो देर सवेर अगर हमें खेत से घर आना है तो आसानी के साथ आ सकते हैं। ये ऑन ऑफ का ऑप्शन हो गया, ये एक्सीलेटर हो गया, और क्लच और बैक गियर का प्रोविजन किस तरह से भैया? सर, जो इसमें क्लच लिया है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइप का, हमने तीनों मशीनों में क्लच डाला हुआ है। जी जी। जैसे किसान भाई हम लोगों की आदत होती है क्लच दबा के गियर डालेंगे, क्लच छोड़ेंगे चलेंगे, उसी तरीके के मैकेनिज्म पे काम करता है जैसे मोटरसाइकिल का क्लच होता है। और दोस्तों 4 फुट की इस पर रोटरी हमारे किसान भाई चला सकते हैं, साथ में भी मिलेगी। अगला जो मॉडल किसान भाई देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ फंक्शन हमारे किसान भाई को अलग देखने को मिलेंगे। सॉकर भी सिंगल मिलेगा,
इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, इसमें भी वही सेम इंजन लगा है जी, इसमें भी 8 HP का इंजन लगा है, लेकिन फर्क इसका गियरबॉक्स का है। जो इसमें गियरबॉक्स लगा है, इसमें 2.25 लीटर का गियरबॉक्स लगा है, सिंगल सॉकर लगा हुआ है, टूल बॉक्स में लाइट आएगी। किसान भाई को 3 गियर इसमें भी मिलेंगे, 2 आगे के 1 पीछे के। जो इसमें टायर मिलते हैं वो 4 8 के टायर मिलते हैं, छोटे वाले, जैसे वो वाले पावर लीडर में आपको बड़े ATV के मोटे टायर मिलते हैं, इसमें जो छोटे पतले टायर मिलेंगे। इस पे भी हमारे किसान भाई रीपर चला सकते हैं, इसमें भी किसान भाई बेधड़क होकर रीपर लगा के आप फसलों की कटाई कर सकते हैं। अच्छा, इस पे अभी फेंडर वगैरह नहीं लगा रखे, लाइट तो आएगी नहीं इसके साथ? बिल्कुल, इसमें लाइट नहीं आएगी, इसमें डबल फेंडर लगेंगे, जैसे उसमें लगे सेम ऐसे फेंडर लगे रहेंगे। फ्यूल की खपत क्या रहती है लगभग इन दोनों? ये जो दोनों 8 HP के पावर लीडर है, एक घंटे में 700 से 800 ml पेट्रोल कंजप्शन करते हैं। और अगर एरिया की बात करेंगे तो लगभग 2 बीघा खेत की आप आसानी से इससे जुताई का काम, गुड़ाई का काम कर सकते हैं। अभी जैसे 4 फुट की रोटरी इस पे चल रही है, इस पे कितने ब्लेड की चल रही है? इसमें भी 4 फुट की चल रही है सर, सभी में 4 फुट की रोटावेटर चलेंगे सर। अगला जो मॉडल किसान भाई देख रहे हैं, बिल्कुल ही मनमोहक है और जो कलर लिया गया वो काफी अच्छा है। इसके इंजन के बारे में जानकारी दीजिए भैया। सर, इसमें 8.25 HP का इंजन लगा है जो की हैवी ड्यूटी जैपनीज इंजन है। इसमें भी इसमें एक LED सिंगल लाइट लगी हुई है, आगे फ्रंट व्हील भी लगा हुआ है। इसमें भी किसान भाई आसानी से रिपर वगैरह चला सकते हैं। इसमें ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर आएगा, साइलेंसर पे कवर लगा हुआ है, बाय द वे हाथ वगैरह नहीं जलेगा। जो इसमें गियरबॉक्स है वो 2.25 लीटर का है, 3 गियर मिलेंगे किसान भाई को, 2 फॉरवर्ड के 1 रिवर्स। फ्यूल टैंक कितना बड़ा है इसके अंदर? इसके फ्यूल टैंक 3 लीटर 600 ml का। और किसान भाई इसमें भी हमारे किसान भाई को 2 सॉकर की व्यवस्था मिल जाएगी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई इसे अप डाउन करके हाइट के अनुसार ऊपर या नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल। गियर मिलेंगे 3, इसमें 3 गियर मिलेंगे किसान भाई को, 2 आगे के और 1 रिवर्स गियर मिलेगा। टूल बॉक्स में लाइट मिलेगी, जैसे डिपर वगैरह का काम यूज करना है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं ऑन ऑफ के, इसलिए एक इंजन का ऑन ऑफ का है सर और एक लाइट का ऑन ऑफ का बटन। अच्छा अच्छा, आगे लाइट के लिए दे रखा है। यहाँ पे एक्सीलेटर हो गया, यहाँ पे एक्सीलेटर, एक बैक गियर के लिए हो गया, ये क्लच हो गया। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी छोटे पतले टायर मिलेंगे। जैसे इंजन की पावर थोड़ी कम है, फ्यूल की खपत तब क्या रहती है और रोटरी कितने ब्लेड की चलती है? सर, इसमें भी 4 फीट की रोटरी चलती है और 1 घंटे में 700 से 800 ml पेट्रोल कंजप्शन करता है। अच्छा, जैसे हमारे किसान भाई आगे कई सारे अटैचमेंट पड़े हुए देख रहे हैं, क्या ये सारे इन मॉडल्स पे चल जाते हैं? बिल्कुल सर, ये तीनों मॉडल पे किसान भाई, इतना ही नहीं, कुछ जो जनरल अटैचमेंट होते हैं वो किसान भाई हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आलू खोदने वाला पोटैटो डिगर है, इसको लगा के आप आलू शकरकंद खोद सकते हैं। ये कल्टीवेटर से आप जुताई कर सकते हैं, गुड़ाई का काम कर सकते हैं। लेवलर से मिट्टी प्लान करने का काम कर सकते हैं, खरा का काम कर सकते हैं। रेजर से आप बेड बना सकते हैं और मिट्टी चढ़ा सकते हैं। ये काम किसान भाई जनरल जो काम होते हैं वो कर सकते हैं। और इसके बाद किसान भाई को हम आपको 30 से 35 तरीके के अटैचमेंट की एक लिस्ट देंगे, उससे वो सारे काम कर सकते हैं जो अटैचमेंट आपको लिस्ट में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सारी जानकारी हो गई। प्राइस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस पे ही किसान जो है डिपेंड होता है, प्राइस का रहने वाला है इन मॉडल। सर, इन मॉडल सॉकर वाले का सबसे बेस्ट प्राइस देने वाला हूँ किसान भाइयों। जो ये सिंगल सॉकर का आपको 8 HP का पावर वेटर देख रहे हैं, इसमें आपको एक 32 मिनट का रोटावेटर मिलेगा। और जो आप 4 अटैचमेंट देखे, इनमें से कोई से भी 2 अटैचमेंट और आप किसान भाई के घर तक डोर डिलीवरी फ्री, 1 साल की फुल इंजन गियरबॉक्स की गारंटी के साथ मात्र 45,000 रुपए। 45,000 रुपए में घर तक मिलेगा, 2 अटैचमेंट रोटावेटर के साथ साथ फ्री जो है होम डिलीवरी के साथ मिलने वाला है। अगला जो मॉडल किसान भाई देख रहे हैं, नीला वाला, ये किसान भाई वो मात्र 48,000 का होने वाला है। इसमें किसान भाई लाइट भी मिलेगी, फ्रंट व्हील भी मिलेगा, डबल चॉकर मिलेंगे और एक आपको रोटावेटर मिलेगा 4 फीट का, साथ में 2 अटैचमेंट आपके घर तक डोर डिलीवरी, 1 साल की इंजन गियरबॉक्स की फुल गारंटी, मात्र 48,000 रुपए। 48,000 मिल जाएगा। अगला जैसे मॉडल देख रहे हैं, ये डबल लाइट वाला फ्रंट में, ये किसान भाई जो हमारा चेतक इंडिया मॉडल देख रहे हैं, इसमें किसान भाई आप जैसे कि हमने पहले ही बताया 8 HP का इंजन लगा है, डबल लाइट लगा है, आगे आपको फ्रंट व्हील का ऑप्शन मिलेगा, 2.5 लीटर का बड़ा वाला गियरबॉक्स मिलेगा, मोटा शाफ्ट का रोटावेटर मिलेगा और इसमें डबल फेंडर के साथ में टूल बॉक्स पे लाइट है, साथ में ATV के मोटे वाले टायर आएंगे और आपको 2 अटैचमेंट आपके घर तक डोर डिलीवरी बिल्कुल फ्री और 1 साल की इंजन गियरबॉक्स की फुल गारंटी मात्र मात्र 55,000 रुपए में किसान भाई को मिलने वाला। भैया संपूर्ण जानकारी होगी, किसान भाई वेट कर रहे हैं, किस तरह से इन्हें परचेज कर सकते हैं वो? अरे खरीदने के लिए बहुत आसान तरीका है व्यवसायी जी, बिल्कुल। जो किसान भाई हमको देख रहे हैं सामने से, आप उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश में आप आके चला के देख के भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी ब्रांच मुजफ्फरपुर बिहार में भी है, जो किसान भाई हमको बिहार से देख रहे हैं आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और किसान भाई आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, घर बैठे मंगवाने का तरीका होता है 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट, बाकी के पेमेंट जब मशीन किसान भाई के घर पे आ जाए, घर का मतलब आपके द्वार पे आए कोरियर वाला देने, तो उसको पैसा देके अपना सामान ले लीजिए और खेतीबाड़ी के जो कठिन से कठिन काम है, जो महंगे से महंगे काम है, आप सरल तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने अच्छे 3 कृषि के महारथी पावर टिलर आपने हमारे किसान भाइयों को इंट्रोड्यूस कराए, उसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, इन मॉडल्स को हमारे किसान भाई अगर परचेज करते हैं तो जो वाइब्रेशन वगैरह की समस्या हमारे किसान भाई की रहती थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है इनके माध्यम से, क्योंकि सॉकर लगे हुए हैं,
जो कंधों पे बोया जाता था वो अब सोकर जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं सारे झटकों को। तो इन मशीनों को परचेज करके हमारे किसान भाई समय से नराई गुड़ाई और जुताई का काम आसानी के साथ करके अपनी फसलों में जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।